ये आप जो देख रहे हैं ना, ये मेरा पुराना स्टूडियो है, तो मैं भी घर आया हूँ कुछ दिनों के लिए। और 1 मई को मेरा बर्थडे था, मुझे काफ़ी लोगों ने विश किया था, थैंक यू एवरीवन जिन जिन लोगों ने मुझे विश किया। तो अराउंड मुझे 1 महीना हो गया था दिल्ली में रहते रहते, और मुझे घर की थोड़ी थोड़ी याद आने लग गई थी। बर्थडे में तो मैं घर नहीं जा पाया, लेकिन उसके अगले दिन मैंने ट्रेन की टिकट अपने बुक करी तत्काल में, और मैं निकल गया था उत्तराखंड के लिए। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, और भी डेट है रात को 9 बजे की। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, क्योंकि मौसम बाहर बारिश वाला हो रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि ट्रेन मेरी छूट जाए। हेलो, हाँ जी, चलो सी यू सून, रूम कुछ भूल ना गया हूँ। यही चीज रेलवे स्टेशन जब थी टू फाइंड प्लेटफॉर्म नंबर 11। तो रेलवे स्टेशन में पहुंच के यार काफ़ी अच्छा फील हुआ, पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी, क्योंकि रानीगंज एक्सप्रेस में हमने दिल्ली से लेके जैसलमेर किया था। तो जब भी मैं ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ ना, मैं साइड पर प्रेफर करता हूँ नाइट के लिए स्पेशली, क्योंकि नाइट में आपको क्या होता है कि ना सोना ही तो होता है। तो क्या हुआ कि मैंने अपना बैग रखा, तो एक बच्चा आता है, वो कह रहा है मुझे याद तो नहीं है कौन से देखी, बट मैंने आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, आई थिंक उसने मेरे को शॉर्ट देखा होगा, एक मेरा शॉर्ट वायरल हो गया था, तो शायद वहाँ रिकमेंड हुई हो वीडियो। तो एक रैंडम स्टेशन में रैंडम ट्रेन में एक बच्चा बोलता है कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, और मेरे सब्सक्राइबर भी इतने ज़्यादा नहीं है कि मतलब लोग पहचाने भी रैंडम जगह पर। सुबह के 2 बजे हमारी ट्रेन पहुँच गई थी रामपुर में। तो जो रात की ट्रेन जर्नी होती है ना, उसमें कुछ दिखाने के लिए होता नहीं है, इसलिए मैंने कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं है, और मैंने व्लॉग एडिट किया तो अराउंड 4 मिनट का बना है। इस व्लॉग में आप थोड़ा सैक्रिफाइस कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 6 मिनट का व्लॉग देंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम हल्द्वानी पहुँच चुके हैं, तो अब यहाँ से टास्क है घर जाना मिलने, सुबह के 5 बजे तो कोई बस मिलती नहीं है, तो पहले मैं रामनगर वाले बस स्टैंड पर जाऊँगा, वहाँ पर देखूँगा। कल शाम के 7 बजे से निकला हूँ और अभी सुबह के 7 बज गए, पूरे 12 घंटे हो गए ट्रैवल करते हुए। तो यहाँ से ना ऊपर कोटावाक को जाने का रास्ता है, बस यही दिक्कत है यहाँ से गाड़ी वाड़ी नहीं मिलती है, तो खड़े हैं। तो यार ये थी मेरी कहानी, लेकिन इसके बाद एक मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करनी है। तो यार मैंने ये सोचा है कि मई के मंथ में मैं हर संडे को एक वीडियो डालूंगा सुबह के 9 बजे, चाहे कैसे भी व्लॉग हो, थोड़ा स्टोरी टेलिंग हो, बट मुझे हर संडे को एक वीडियो डालनी है। तो जैसे जैसे हफ्ते में एक वीडियो डालने की हैबिट बन जाएगी, फिर धीरे धीरे हम हफ्ते में 2 वीडियो डालना शुरू करेंगे। एंड होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, और अभी घर आया हूँ तो घर के 1-2 व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद back to Delhi। तो जब दिल्ली में था तो हार्डली मुझे सनसेट दिख पाता था, लेकिन आज घर आया तो भाई नेचर भी मेरे साथ है, वो इतना खूबसूरत सनसेट हो रहा है ना, तुमको बता भी नहीं सकता यार।